वालेकुम गाइस हाउ यू ऑल चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और फिर मैंने आपको कहा था आपको इकोनॉमी करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल सो इकॉनमी हम अलग से करेंगे तो इसीलिए वो आप स्किप कर सकते हो And today we'll be starting our security security kaha It is under your current events of national and international importance. So this particular topic in here. इज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स नाउ आई टी सी इज एक्चुअली अ टॉपिक दैट हैज अ ग्रेट नैशनल सिग्निफिकेंस ठीक है सो इट इज़ अ करंट इवेंट ऑफ ग्रेट नैशनल इंपॉर्टेंस सो दैट इज वाई वील बी स्टडिंग दिस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स क्या होता है ठीक है अब ये न्यूज़ में क्यों था रिसेंटली क्योंकि बिपिन रावत जो हमारे अभी रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की रिसेंटली मीटिंग हुई थी वाइस चीफ्स ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट सर्विसेज के साथ यानी हमारे इंडियन एयर फोर्स का वाइस चीफ हमारा इंडियन uh, आर्मी का वाइस चीफ और इंडियन नेवी का वाइस चीफ जो इन सब के साथ मीटिंग करने गए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ठीक है और जब मीटिंग हुई उस मीटिंग में एक मॉडल जो है वो बताया गया कि हम इस मॉडल को इंडिया में लाना चाहते हैं और वो मॉडल क्या है ये सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इस मॉडल का नाम है आईटीसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स पहले मैं आपको हल्के से एक इंट्रोडक्शन दे दूं आईटीसी का फिर हम आगे बढ़ेंगे आई क्या है भाई आई सिंपली होता है अब देखिए अगर इंडिया के इंडिया हैज अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स राइट अब अफगानिस्तान जो हमारे साथ आ, हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां करी वो हमारे हाथ से जा रहा है पाकिस्तान तो ऑलरेडी जा चुका है चाइना यहाँ से ऊपर पड़ा है तो ऐसे सिनेरियो में व्हेन इंडिया इज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबर्स ऐसी ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू बी कॉशियस अलॉट क्योंकि कभी भी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है फाइन कभी चाइना यहाँ से आ गया यहाँ से पाकिस्तान आ गया यहाँ से अफगानिस्तान ने एंट्री वार ली नीचे से पानी है तो कहाँ जाएंगे फाइन ऐसे सिचुएशन में मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर डेवलप करना और यू you नो know, कभी भी किसी की भी ज़रूरत हो सकती है तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया आप, इंडिया पाकिस्तान में कुछ यू नो फायरिंग शुरू हो गई बॉर्डर में कुछ टेंशन शुरू हो गया तो इंडियन आर्मी वहां पे जाके काम कर सकती है और यहाँ से साउथ चाइना सी में समझिए गया दो सेकेंड के लिए चाइना ने कुछ कर लिया तो इंडियन नेवी यहाँ से काम करेगी ऊपर से किसी ने फॉर एग्जांपल ड्रोन अटैक किया तो इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे काम करेगा लेकिन कभी कभार हमें जो है तीनों सर्विसेज की एक साथ जरूरत पड़ती है चाहे वो इंडियन आर्मी की बात करो इंडियन नेवी की बात करो इंडियन एयरफोर्स की बात करो ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में हम तीनों का एक अमेलगमेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, होना चाहिए हमारे पास जहां पर हम तीनों सर्विसेज को एक साथ इस्तेमाल कर सके सपोज हमारे पास यू नो एक ही कमांडर के नीचे ये तीनों सर्विसेज हो ताकि उसमें एक एफिशिएंसी हो एक पूरा एक कमांड हो एक थिएटर की तरह यानी थिएटर किसको हम कहते हैं जहां पर आपकी मल्टीपल सर्विसेज एक कमांडर के नीचे होती है तो हमारा इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें एक यू नो एक सीक्वेंस बने बनाएंगे कि क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए प्रोटोकॉल क्या होगा किस हिसाब से चीज़ें होंगी इन केस अगर कोई मिसहैप होता है बॉर्डर पर ठीक है तो अगर पाकिस्तान के साथ कुछ हो रहा है तो हमारी आ, नेवी वहां पर आके फॉर एग्जांपल या फिर चाबहार पोर्ट से या फिर गवादार पोर्ट पे जाके कुछ डैमेज कॉज क्रिएट कर सके वहाँ से इंडियन एयरफोर्स जाए यहाँ से इंडियन आर्मी जाए ऐसे सिचुएशन में हमें तीनों की जरूरत पड़ सकती है इसीलिए तीनों की इंटीग्रेशन करना जरूरी है फाइन तो यही सिस्टम है हमारा इस मीटिंग में इसी मॉडल को आगे रखा गया करंट सिस्टम अभी क्या है इंडिया में 1947 आज़ादी के बाद से इंडियन एयरफोर्स नेवी और आर्मी जो है ये अलग अलग सेपरेटली काम करते हैं हालांकि इन तीनों में कॉपरेशन तो होती है पर कोई इंटीग्रेशन का सिस्टम नहीं है कि ये तीनों एक ही कमांडर के नीचे आएंगे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था तो 47 के बाद से अभी तक ये सेपरेटली काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स इन तीनों के अलग अलग मल्टीपल कमांड्स है उनका अलग अलग अपना सिस्टम है तो ये अलग अलग स्प्लिट है वर्टिकली इनका अलग पूरा सिस्टम होता है इंडियन आर्मी में पहले कौन आएगा फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे इसमें वर्टिकल स्प्लिट होते हैं हर एक सर्विस में ठीक है और फिर इनके बीच में भी सेपरेशन है नेवी अलग है, है एयरफोर्स अलग है तो उसमें जो है कॉपरेशन तो होती है पर इंटीग्रेशन हमें नहीं मिलती है इंडिया में सत्रह मिलिट्री कमांड्स है सत्रह मिलिट्री सिस्टम्स है हमारे इन तीन सर्विसेज के जिसमें सात कमांड्स आर्मी के हैं सात कमांड्स एयरफोर्स के हैं और तीन कमांड्स नेवी के हैं ठीक है थीके? तो ये सत्रह कमांड्स है सत्रह मिलिट्री कमांड्स है हमारे इंडिया के डिफेंस सिस्टम में ठीक है अब इसकी वजह से अब क्योंकि आर्मी में अलग से कमांड्स है एयरफोर्स में अलग से सात कमांड्स है नेवी में अलग से तीन कमांड्स है इसकी वजह से जो हमारे एफर्ट्स है जो हमारे रिसोर्सेस है वो वेस्ट हो जाते हैं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाता है बार बार यू नो सेम चीज करने के लिए आपको डिफरेंट कमांड्स देने पड़ते हैं इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सिस्टम हो ठीक है जिसमें हम तीनों को एक तरीके से इंटीग्रेट कर सके फाइन अब उसके लिए हमारे पास ये तो हो गए सत्रह मिलिट्री कमांड्स एयर फोर्स के वगैरह वगैरह इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स के लिए हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स के लिए दो अलग से हमारे पास टू यूनिफाइड कमांड्स भी है जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड और दूसरा है स्पेशल फोर्सेस कमांड फॉर न्यूक्लियर टेस्ट ठीक है तो ये स्पेशल फोर्सेस कमांड ही है जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स जिनके हाथ में होते हैं और अंडमान एंड निकोबार कमांड आपकी अलग से एक यूनिफाइड कमांड है यह होगी टोटल 19 कमांड और इसमें हमारी चार ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशंस भी है यानी इंडिया के पास ये तीनों सर्विसेज के लिए इंडियन एयरफोर्स नेवी और आर्मी के तीनों सर्विसेज के लिए जिनको हम ट्राई सर्विसेज ट्राई सर्विस कहते हैं इन तीनों सर्विसेज के लिए हमारे पास चार इंस्टीट्यूशंस भी है कौन-कौन सा इंस्टीट्यूशन है सबसे पहले है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी साइबर एजेंसी एंड आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन ठीक है तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी साइबर एजेंसी एंड आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ये है आपके चार इंपॉर्टेंट ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशन तो ये तो हमारा इंडिया का ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है अब क्या चीज बनाने की बात की जा रही है मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था मीटिंग में डिस्कस हुआ था एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का जो एक यूनिफाइड कमांड होगी इन तीनों सर्विसेज की ठीक है और ये किसके अंदर होगा एक सिंगल कमांडर के अंदर होगी हो ये तीनों सर्विसेज फाइन और इस कमांडर के पास ऐसा पावर होगा कि ये सारे रिसोर्सिस को इस्तेमाल कर सकता है चाहे वो एयरफोर्स से हो आर्मी से हो या नेवी से हो तो ये सीमलेसली सारी सर्विसेज को सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है अब ये इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर थे, बना इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात इससे पहले भी प्रपोज की गई थी जब करगिल वॉर हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ उस समय से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली अलग अलग कमिटीज बनाई गई जिन्होंने बार बार यही कहा कि इंडिया को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने चाहिए जैसे कि बाकी की कंट्रीज में बनाए गए हैं तो एक कमेटी बनी थी करगिल रिव्यू कमेटी क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में रिव्यू कमेटी किसके लिए बनाई गई थी इट इट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इन इंडिया उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई थी डी बी शेकतर कमेटी और इस कमेटी ने भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने का प्रपोजल रखा था और ये जो शेकतकर कमेटी है इसने इंटीग्रेटेड कमांड्स uh, तीन कमांड्स बनाने की बात की थी जो इंटीग्रेटेड है तीनों जिसमें हम इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को तीनों को इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेटेड सीमलेसली उसमें इंटीग्रेशन होगी और लेकिन ये तीन ये जो इंटीग्रेटेड है कमांड है इसको हम तीन अलग अलग जगह पर डिप्लॉय करेंगे तीन अलग अलग कमांड्स डेवलप होंगी एक होगा इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पर ये नॉर्दर्न कमांड होगी ये चाइना के साथ हम बनाएंगे चाइना के साथ यानी चाइना के साथ जब हमारा कभी फेस ऑफ होगा तो उसमें इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास नॉर्दर्न कमांड होगी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए हमारे पास यहाँ वेस्टर्न कमांड होगी अगेंस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे और यहाँ साउदर्न रीजन से हमारे पास कमांड होगी ये मैरेटाइम बॉर्डर्स पे मैरेटाइम बॉर्डर्स पे ठीक है कोस्टल रीजन के लिए ये किसने ये तीन कमांड्स बनाने की बात किसने की थी शिकत कर कमेटी ने फाइन फिर वैसा नहीं हो पाया बट ये प्रपोजल रखा गया था फॉर क्रिएटिंग नो इट रिकमेंडेड दैट वी शुड क्रिएट थ्री इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम इन इंडिया ठीक है अभी जो करंट थियटराइजेशन जो करंट बात हो रही है वो प्रपोजल क्या है करंट मॉडल क्या है इंटीग्रेशन का वो कहा जा रहा है कि हमें एटलीस्ट कम से कम सिक्स नए इंटीग्रेटेड कमांड्स बनाने चाहिए एक नॉर्दर्न कमांड होगी एक वेस्टर्न कमांड होगी ये नॉर्दर्न कमांड पाकिस्तान चाइना के खिलाफ वेस्टर्न कमांड पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड आपका ईस्टर्न साइड बांग्लादेश जो ईस्टर्न बॉर्डर है आपका उसके बाद आपका एयर डिफेंस कमांड अलग से मैरिटाइम थिएटर कमांड मैरिटाइम के लिए और लॉजिस्टिक्स कमांड ये सात अलग छह अलग इंटीग्रेटेड कमांड्स होंगे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होंगे जिसमें हम इंडियन नेवी एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इंटीग्रेटेड कमांड्स होंगी जिनको हमने अलग अलग लेवल पे डिप्लॉय किया रखा कर रखा होगा फाइन अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इस मीटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने डिस्कस की वो ये कि जब हम अपना ये प्रोसेस अपना ये मॉडल शिफ्ट कर रहे होंगे जब इंडिया में थिएटराइजेशन हो रही होगी ठीक है जब हम अपना पुराना सिस्टम चेंज करके एक नए सिस्टम की तरफ जा रहे होंगे उस वक्त अगर अटैक हो गया किसी तरीके से तो इंडिया विल बी कॉट ऑफ गार्ड इंडिया पर अटैक हो सकता है उसी समय जब हम ये ट्रांजिशन कर रहे थे फ्रॉम द ओल्डर सिस्टम सिस्टम टू न्यूअर जब ये ट्रांजिशन हो रहा होगा क्या पता चाइना उसी वक्त अटैक कर ले और हमारे पास वहां पर कोई भी कमांड अथॉरिटी ना हो तो इस इस, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह कहा कि हम इस पूरे ट्रांजिशन को इसमें एक यू uh, नो you know, एक एक एलिमेंट डाल देंगे वो क्या होगा, वो क्या होगा? होगा जैसे ही आपका ट्रांजिशन हो रहा होगा और उसी वक्त अगर अटैक होगा तो हम उसी समय वी विल फॉल बैक टू आवर ओरिजिनल सिस्टम वी विल फॉल बैक टू आवर प्रीवियस ट्रेडिशनल सिस्टम तो जब हमारा ये ट्रांजिशन हो रहा होगा टू न्यू मॉडल अगर उसी वक्त अटैक हो गया तो इंडिया अपने उस अटैक से बच सकता है एज यू नो बिकॉज हम इमीजिएटली पुराने सिस्टम पर वापस आ जाएंगे वी विल फॉल बैक यू नो टू द प्रीवियस मैकेनिज्म तो ये था आपका फॉल बैक मैकेनिज्म इन्होंने ये भी डिस्कस किया यहाँ पर फाइन तो इनका ये मानना है कि यहाँ पर हम जो इन तीनों में जो इंटीग्रेशन डेवलप करेंगे इट विल बी रोल्ड आउट बाय 2023 यानी अगले के अगले साल फाइन तो इसमें आपको याद रखना है और किस कंट्री ने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाए हैं लगभग 32 कंट्रीज ने पूरी दुनिया में ये थिएटर कमांड्स बनाए हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की पहली कंट्री है जिसने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम बनाया था जह, जहां पर यूनाइटेड सिक्स सिक, के यूनाइटेड स्टेट्स के पास सिक्स थिएटर कमांड्स है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स है फाइन ऐसे ही रशिया भी है और रशिया के पास चार थिएटर कमांड सिस्टम्स है फाइन और रशिया ने यह 2008 में रिसेंटली शुरू किया चाइना ने भी कर लिया है अब इंडिया की बात है इंडिया को भी करना चाहिए फाइन सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिगार्डिंग थिएटर कमांड्स अब इसकी नीड क्या है सिग्निफिकेंस क्या है ये क्वेश्चन होते हैं मेन्स के फाइन इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेन जो आपका कॉन्सेप्ट था करंट था वो मैंने आपको बता दिया प्रलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज uh, एम में एआरसीएस में के में यहीं से सवाल आ जाएंगे तो ये चेंजिंग नेचर इस अब देखिए अब ये करने की ज़रूरत क्यों है फिर मैं जल्दी से बता देता हूँ ये ये करने की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज़ वॉरफेयर का सिस्टम बदल रहा है अब ये पुराना नहीं है कि अब घोड़े पे जाएंगे या अब जो है जंग करेंगे करगिल में जंग हो गया तो वैसे जंग हो अब ये ज़माना गया वैसे अब जो है हाइब्रिड वॉरफेयर हो रहा है साइबर वॉरफेयर हो रहा है स्पेस वॉरफेयर हो रहा है फाइन हो सकता है आई मीन टू से तो ऐसे चेंजिंग नेचर जो वॉरफेयर का है इसीलिए हमें अपने डिफेंस फोर्सेस को इंटीग्रेट करने की जरूरत है ताकि हम बेटर एंगेज कर सके अगर कोई ऐसा मिसहेप होता है एंड लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर एक्चुअली प्रोडिक्टिंग न्यूक्लियर वॉर दैट इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग डेकेड तो इस डेकेड में कहा जाता है दैट द वेस्टर्न फोर्सेज एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो नेटो है दैट uh, माइट You know, uh, कुछ तो कहते हैं कि बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में ही होगा बट गॉड नोज बेस्ट तो ये कहा जाता है कि इन इन दिस पर्टिकुलर डेकेट जिसमें हम अभी है टिल टू थाउजेंड थर्टी एंड थर्टी टू कहा जाता है कि एक बड़ा वॉर uh, हो सकता है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट दैट इज बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रिगर दिस वॉर अगेंस्ट रशिया बिकॉज यूनाइट स्टेट्स इज़ अप विथ चाइना एक्चुअली और चाइना uh, और रशिया की जो आपस में इतनी ज़्यादा उनके बीच में जो कनेक्शन है सो दैट इज़ वो यूनाइटेड स्ट्स को बहुत खटकता है और यूनाइटेड स्टेट्स हो यूरोप हो या फिर आपका इसराइल हो नाउ दीज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं नैटो वो मे बी वो अटैक करे रशिया पर एंड देन रशिया एंड चाइना मिलकर रिटालएट uh, करेंगे एंड उस वक्त इंडिया का रोल क्या होगा यू uh, नो you know, ये देखा जाएगा बिकॉज इंडिया का ट्रेडिशनल जो स्टैंड पॉइंट था वो यही था कि हम नॉन अलाइं रहेंगे वी विल नॉट फेवर द वेस्ट नॉर द ईस्ट हम दोनों के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे दैट वॉज द बेस्ट सनारियो फॉर इंडिया जब अगर हमारा चाइना और रशिया के साथ भी ठीक ठाक है और अमेरिका के साथ भी ठीक ठाक है देन मे बी कि हम इस वॉर से बच पाए बट बिकॉज uh, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इट इज़ हैविली इंक्लाइंड Towards United States and not uh, towards uh, the uh, the East, that is the Russia and the China. Its ki we might align with the United States and then you know uh, there might come a big destruction uh, in the in the world because uh, agar nuclear weapons istemal hoge, then uh, you know uh, it will become uh, the Earth won't be habitable. Uh, बहुत सारे रीजन्स हैबिटेबल नहीं रहेंगे सो दिस इज वॉट इज वॉट द पोलिटिकल साइंटिस्ट आर प्रडिक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डिकेट सो आने वाले पाँच दस साल में काफ़ी कुछ हो सकता है सो बेटर बी रेडी फॉर दैट उसके बाद uh, हम देखेंगे इम्प्रूवड रिसोर्स एफिशंसी बेटर प्रोक्योरमेंट क्विक डिसीजन मेकिंग होगी जब इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी रिफॉर्म्स इन द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ़ नेबरिंग कंट्रीज़ जब नेबरिंग कंट्रीज़ ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें तो हमें भी करने की ज़रूरत है फ़ाइन चैलेंजेस क्या होंगे इसमें चैलेंजेस देखने की ज़रूरत है तो ये मोरलेस मेन्स का टॉपिक है ये आप स्किप कर सकते हो ये आपका कंक्लूजन होता है जो हम आंसर में वहाँ पे लिखते हैं वे अ ये भी आप देख सकते हो कैन गो थ्रू इट क्विकलीन वी हैव एनवायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंट आपका नो डाउट उन्होंने नहीं लिखा है बट इसमें बहुत करंट कमाल के टॉपिक्स है जो आपको याद रखने की जरूरत है नाओ पहला ही टॉपिक है आपका hai aapka gross environment product gep नाव आपने पढ़ा होगा मैंने इकोनॉमी में पढ़ा है आपको जी डी पी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जी एन पी का कॉन्सेप्ट है, एन एन पी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जीईपी जब हमने जीडीपी आपको पढ़ाया था जीडीपी की डेफिनेशन क्या है इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस फाइनेंशियल ईयर याद है तो ये हो गया आपका जीडीपी तो जीडीपी यानी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका मनी वैल्यू फाइन तो क्या इस जीडीपी में जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं और उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हमने एनवायरमेंट को पोल्यूट कर लिया अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया तो अगर हमने ये सारी चीजें की है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होंगे बिल्कुल नहीं जीडीपी एनवायरमेंटल कंसिडरेशन नहीं करता है जीडीपी सिंपली मटेरियल कंसिडरेशन देखता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका मनी वैल्यू कितना है अब एनवायरमेंटल कंसिडरेशन करने के लिए हमने यू नो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे तो ग्रीन जीडीपी में हमने क्या किया था ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट में हमने ये कहा कि हम ये देखेंगे कि ये जितने भी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे एनवायरमेंट में कितना एनवायरमेंटल लॉस हुआ है फिर इस लॉस को हम मॉनेटरी एक वैल्यू देंगे सपोज सौ करोड़ का लॉस हो गया और यहाँ से मैंने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए वो हजार करोड़ थे तो हजार करोड़ में से सौ करोड़ माइनस किया जाएगा तो मेरा जो जीडीपी होगा वो नौ सौ करोड़ का होगा ये है मेरा ग्रीन जीडीपी तो ग्रीन जीडीपी में हम क्या करते हैं हम डिडक्ट करते हैं एनवायरमेंटल लॉसेस अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो उत्तराखंड ने यू नो उत्तराखंड ने उत्तराखंड लेकर आया है सामने एंड उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कम अपम एंड दैट इज द ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट अब इसमें फर्क क्या है आपका ग्रीन जी क्या देखता है ग्रीन जी देखता है कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए और उसकी प्रोडक्शन की वजह से कितना एनवायरमेंटल लॉस हुआ उसको सब्ट्रैक्ट um, करो तब जाके आपको ग्रीन जीडीपी मिलेगा अब यह है ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट ये ये कहता है कि मैं जितना भी जीडीपी प्रोड्यूस करता हूँ मैं जो भी प्रोडक्शन करता हूँ मैं जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ मैं जितना भी मनी क्रिएट करता हूं मैं जितनी भी वेल्थ क्रिएट करता हूं, हूं, हूं उसमें एनवायरमेंट का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यानी एनवायरमेंट की वजह से मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाता हूं अपने नेशनल इनकम में फाइन वो बनेगा मेरा ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट फाइन तो इसमें हम लॉसेस नहीं देखेंगे इसमें हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि मेरा जीडीपी में नेशनल इनकम में टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है फ्रॉम दी एनवायरमेंटल सोर्सेस तो इसमें हम देखेंगे रिसेंटली क्या हुआ है अब आपने देखा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है जून फाइव को तो जून फाइव आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है क्वेश्चन आ सकता है तो उत्तराखंड ने इसी दिन पर उत्तराखंड इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बनती है जिसने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया फाइन वाइल्ड कैलकुलेटिंग जीडीपी उन्होंने जीडीपी कैलकुलेट किया उसके बाद उन्होंने जीईपी भी कैलकुलेट किया तो जीईपी में उन्होंने क्या वाल क्या देखा देखिए इसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो चार क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज है एयर है वाटर है फॉरेस्ट है सॉइल है ये सारे एयर वाटर फॉरेस्ट सॉइल ये सारे अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं किसी नेशनल इनकम में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल सॉइल जो है वो ऑटोमेटिकली रिटेन करती है वो ऑटोमेटिकली यू नो पहले जब उसमें एक क्रॉप होता है फिर उसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाए तो धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिय की कैपेबिलिटी बढ़ती है हमारे इन्वायरमेंट में पॉलिनेशन होती है हमें जो है रिक्रिएशन से यानी अच्छी सीनरी देखकर हमें मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होती है वाटर प्योरीफिकेशन नेचुरली होता है वो करने की ज़रूरत नहीं है क्लाइमेट रेगुलेशन एयर प्योरीफिकेशन हमारे प्लांट्स करते हैं ये सारी चीज़ें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है सॉइल रिटेंशन है सैंड सैंडस्टॉम प्रिवेंशन है फॉरेस्ट्री में फ़िशिंग में रिक्रिएशन में टूरिज्म में हाइड्रो पावर एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें आपको मिलती है अब ये आपको इसी एयर वाटर फॉरेस्ट और सॉइल से मिलती है अब ये सारी चीज़ों को हम मॉनेटरी वैल्यू असाइन करेंगे यानी हम इनको पैसों में देखेंगे कि इससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपने मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट किया है फ़ाइन और जब हम इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखेंगे इन नेचुरल रिसोर्स की उत्तराखंड के अंदर तो हमें वहाँ से मिलेगा ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट फाइन तो द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज ग्रॉस एनवाइरमेंटल प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड नेशन के इनकम में अपने बायोडाइवर्सिटी से कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है नाइंटी फाइव थाउजेंड करोड़ यानी नाइनटी फाइव थाउजेंड करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उत्तराखंड की बायोडाइवर्सिटी से टू द नेशनल इनकम तो यह नाइनटी फाइव थाउजेंड करोड़ है क्या असल में इट इज द ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड फाइन तो ये ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल Services, और final, ecosystem, जो इको आपको सर्विस प्रोवाइड करता है किसको ह्यूमन वेलबींग्रॉस एनवाइर सर्विस एक साल के अंदर एक पर्टिक्युलर रीजन में कितना इको सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करेगा उसका मॉनिटरी वैल्यू जो होगा वही आपका जी ई पी होता है फाइन ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट फाइन इट इंडिकेट्स दी ओवरऑल हेल्थ ऑफ दी एनवायरमेंट इट इंडिकेट्स ओवरऑल हेल्थ जब आप इन तीनों चार में देखेंगे स्वाइल में देखेंगे एयर में देखेंगे वाटर में देखेंगे फॉरेस्ट में देखेंगे फिर इसकी हेल्थ देखेंगे और हेल्थ से ही आपको समझ आएगा कि आपने आपकी इन सर्विसेज का क्या हाल है फाइन तो जीईपी जो है ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट अगर कम होगा तो हमें समझ आएगा कि हमारा या तो फॉरेस्ट कवर अच्छा नहीं है या तो एयर पोल्यूट हो गया है या तो वाटर पोल्यूट हो गया है तो सॉइल हमारा इरोड हो चुका है तो जीईपी जितना ज्यादा होगा तो ये इंडिकेशन है कि फॉरेस्ट कवर भी अच्छा है सॉइल में भी अच्छी है एयर क्वालिटी भी अच्छी है वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व डिजोल्विंग भी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है जब जी अच्छा होगा तो जी असल में क्या है इट्स अ प्राइम इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट कवर सॉइल एरोजन एयर क्वालिटी डिजोल्व ऑक्सीजन इन रिवर वाटर फाइन अनलाइक ग्रीन जीडीपी तो ग्रीन जीडीपी में क्या होता था उसमें आप डैमेज लॉस जो है वो डिडक्ट करते थे लेकिन जीईपी में क्या करते हैं जीईपी में देखते हैं क्या हमारे पास जो ये इकोसिस्टम सर्विसेज है हमारे पास जो ये नेचुरल रिसोर्स इसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है इन्होंने हमें कितनी यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और इसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है वो हमारा जी का कॉन्सेप्ट है फाइन नीड फॉर जी क्यों है भाई बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ ही डेवलपमेंट नहीं होती डेवलपमेंट कुछ और है फाइन तो जी की वजह से सिर्फ पैसा ही नहीं पैसा पैसा मिलेगा अगर आपको ढेर सारा करोड़ों रुपया का पैसा आप दिल्ली जाओ दिल्ली में जब पोल्यूशन होता है काफ़ी ज़्यादा आपके पास करोड़ों रुपया भी है लेकिन आप अपने बाग में टहल नहीं सकते पोल्यूशन की वजह से तो वो आपकी डेवलपमेंट नहीं होती है नो no डाउट आपकी ग्रोथ तो हुई है आपके पास पैसा आया है पर डेवलपमेंट नहीं है फाइन आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए अगर आपके पास यू नो मर्सिडीज भी है रोल्स रॉयस भी है आपके पास पाँच करोड़ की गाड़ी है लेकिन जब आप बाहर जाते हैं सड़क पे खडे हैं और सड़क पे खड्डे तो छोड़ो बाहर लेकिन ट्रैफिक ही ट्रैफिक आप गाड़ी नहीं चला पाते तो आप देखो कितना मेंटल स्ट्रेस डेवलप होगा आपके ऊपर तो ये क्या है ये डेवलपमेंट नहीं है ये ग्रोथ है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है तो डेवलपमेंट ओवरऑल ओवर की इंक्लूसिव ग्रोथ होती है जिसमें सारे फैक्टर्स ऊपर चढ़ेंगे ठीक है तो जीईपी भी उनमें से एक क्राइटेरिया है एक फैक्टर है डेवलपमेंट का ऐसे ही शॉर्ट कमिंग्स इन द ट्रेडिशनल सिस्टम जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है नेशनल अकाउंट्स का जिसमें हम जी डी एनडीपी एनएनपी निकालते हैं उसमें इको सिस्टम सर्विसेज तो है ही नहीं नेचुरल रिसोर्सेज को तो वैल्यू ही नहीं दिया जाता लेकिन अब जी की मदद से हम ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हमारा उनमें जो शॉर्ट कमिंग्स थी उनको हम दूर कर सकते हैं फाइन तो ये इसकी नीड थी फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें इश्यूज क्या आएंगे ये मेंस का ही सवाल है नॉलेज गैप का इशू है कि जो you नो know, हमें डेटा नहीं है कि कौन सी सर्विस कौन सा इकोसिस्टम का रिसोर्सेज कितना उसका मॉनेटरी वैल्यू है कैसे हम उसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करेंगे जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पीपल ट्री की पीपल ट्री क्या है पीपल ट्री इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसको होली कंसिडर किया जाता है लोग जो है रिलीजियस सरमनीज में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी शेड के अंदर यू नो रिलीजियस सरमनीज़ होती है शादियां होती है पीपल ट्री के नीचे अब पीपल ट्री आपका इतना ज़्यादा होली ट्री है अब इसमें इकोनॉमिक वैल्यू इसको कैसे दिया जाए इसका तो स्पिरिचुअल वैल्यू है तो इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू इसको देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है जीईपी के मेथोडोलॉजी में फाइन तो ये है आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग जी उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ भी पढ़ेंगे अदर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ग्लोबली और क्या क्या चीज़ें हो रही है जैसे यूनाइटेड नेशन ने एक गाइड बुक हमें दी है नो एक गाइड बुक हमें दी है कि आप कैसे आप कैसे जो हमारा नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है आप कैसे उसमें जीडीपी एनडीपी एनएनपी जो आपका यूनाइटेड नेशन है यूनाइटेड नेशन तो जीडीपी ही इस्तेमाल करता है तो आप उनको उनमें कैसे आप ये नेचुरल जो हमारा कैपिटल है नेचुरल रिसोर्सेज है एनवायरमेंटल क्वालिटीज है आप कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करोगे हमारे नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स में उसके लिए उन्होंने एक गाइडबुक हमें दी जिसका नाम है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट एस ई ए तो ये क्या अ गाइड बुक बाई यूनाइटेड नेशंस जहां पर उसने हमें इनकॉर्पोरेशन की बात की कि आप कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट करोगे ट्रेडिशनल नेशनल अकाउंटिंग इनकम अकाउंटिंग में चाइना भी ये कर, कर, कर रहा है चाइना ने भी एनवायरमेंटल डैमेज को मेजर करने के लिए स्टडीज की है 2004 से एक इंडेक्स बनाया जाता है हैप्पी प्लान इंडेक्स एच पी आई ये हैप्पी प्लान इंडेक्स कौन बनाता है भाई ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ये याद रखना ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन आपका हैप्पी प्लानट इंडेक्स लेकर आता है जिसमें यही चीज देखी जाती है ये नेशनल वेलफेयर को देखता है विद रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी नेशनल वेलफेयर देखा जाएगा लेकिन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ तो एनवायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें है ये हैप्पी प्लानट इंडेक्स क्रिएटेड बाय ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन ऐसे भूटान के अंदर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ये तो काफी ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसमें भी एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन को बहुत बड़ा रोल दिया गया है तो भूटान के अंदर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस याद रखना ये चीज सिर्फ स्वीडन के अंदर भी 2003 से वो लोग एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स को ले रहे हैं उसके बाद है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रिगार्डिंग एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया अब देखिए हमारा इंडिया में प्रॉब्लम क्या है इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास गैसोलीन नहीं है अपना उस लेवल का जितना हमारी डिमांड है गैसोलीन में आपका पेट्रोलियम है फाइन जो आपका डीजल है वगैरह जो हम यहाँ पर बनाते हैं तो ये आपको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है फिर ये आप क्रूड इम्पोर्ट करते हैं फिर वहाँ से फिर आपको रिफाइनरी करनी पड़ती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है फिर जाके उसको बेचती है फिर आपका जो है पेट्रोल और डीजल अभी कितना महंगा हो चुका है एक सौ चार एक सौ पहुंच चुका है फाइन अब इसमें हमें इंडिया को क्योंकि बार बार ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमारी जो इंपोर्ट की बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आती है तो इंपोर्ट जब करेंगे तो डॉलर बाहर जाएगा इकॉनमी में पड़ा होगा आपने डॉलर बाहर जाएगा और जब डॉलर बाहर जाएगा तो इंडिया का फॉरेक्स कम हो जाएगा और जब फॉरेक्स कम होगा हमारी डिप्रिसिएशन होगी और महंगाई हो जाएगी फाइन तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में गैसोलीन के इम्पोर्ट की वजह से होती है ताकि जितना ज़्यादा इम्पोर्ट होगा उतना ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा और हमारे पास पैसा कम रहेगा फ़ाइन अब ऐसा ना हो हम ये गैसोलीन बाहर से इंपोर्ट इतना ना करें एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसमें ये जो गैसोलीन हम लेते हैं जो पेट्रोलियम हम बाहर से लाते हैं इसमें हम ऐड कर सकते हैं एथेनॉल क्या ऐड कर सकते हैं इथाइल अल्कोहल क्या इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल और ये हमें मिलकर जो देगा इस इसको इथाइल अल्कोहल को मिलाना गैसोलिन में इसी को हम कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग अब आप बोलेंगे आप गैसोलीन में पेट्रोलियम में या डीजल में इथाइल अल्कोहल क्यों डालेंगे एथनॉल ब्लेंडिंग क्यों करेंगे क्योंकि जब आप पेट्रोल को बर्न करते हैं या कंबस्ट करते हैं अपने पेट्रोल इंजन में अपने गाड़ी में तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से वहां पर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस कार्बन मोनाक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस बाहर आते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है लेकिन अग अब अगर हम इसी पेट्रोल में इथाइल इता, अल्कोहल या एथेनॉल भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो इसकी वजह से अब कंप्लीट कम्बशन हो सकती है बिकॉज ये जो इथाइल एथेनॉल हम इस्तेमाल करेंगे इट हैज़ टू बी नाइन्टी प्योर अब ये कम्प्लीट कम्बशन जब होगा इसकी वजह से इतने ज़्यादा हार्मफुल गैसेज बाहर नहीं आएंगे तो इससे दो फायदे होंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग से पहला फ़ायदा ये होगा कि हमें अब ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज अगर आपने बाहर से 10, 100 लीटर इंपोर्ट किया यहाँ पर उसमें 20 लीटर एथेनॉल डाल दो 120 लीटर का आपको मिल जाएगा फ्यूल ठीक है तो आपका जो है इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा तो आपके पास पैसा बचेगा दूसरा जो आप पेट्रोलियम बर्न करते थे उससे जो एनवायरमेंट इफ़ेक्ट होता था उससे भी आपका यू नो नुकसान होता था इसीलिए हमने कहा कि एथेनॉल ब्रेंडिंग करते हैं उसकी वजह से इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा हमारे एनवायरमेंट को फ़ाइन अब ये जो कॉन्सेप्ट है एथेनॉल ब्रेंडिंग का ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत ही ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है चाइना ने भी इस्तेमाल किया इंडिया ने अब इसमें यू नो शुरू किया इसको करना तो हमारे पास इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग में हमने जो डेडलाइन शुरू की थी तो हमने कहा था कि हम अपने फ्यूल में अगर हमारे पास हंड्रेड परसेंट फ्यूल है इस हंड्रेड परसेंट में हम ट्वेंटी परसेंट एथेनॉल एड हो, होना चाहिए हमारा यानी एट्टी परसेंट आपका नॉर्मल गैसोलीन हो और ट्वेंटी परसेंट आपका हो तो ट्वेंटी परसेंट एथेनॉ ब्लैंडिंग होगी इसका मतलब ई ट्वेंटी की बात हो रही है ई ट्वेंटी का क्या मतलब है एथेनॉल कितना होना चाहिए ट्वेंटी परसेंट तो ई उन्होंने कहा कि आप एथेनॉल ब्लेंडिंग जब करेंगे अपने गैसोलीन के साथ तो वो करने के लिए आपके पास एक टाइमलाइन है 2030 तक आपको ये अचीव करना है 20 परसेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग ठीक है ये 2030 तक उन्होंने इनिशियल टारगेट रखा था लेकिन जब हमने अपनी हालत देखी अपने पोल्यूशन कितना इतना ज्यादा हो रहा है तो हमने कहा 2030 का हम इंतजार नहीं कर सकते इसको पांच साल पहले ही लाना पड़ेगा अभी जो टारगेट है वो 2025 का है यानी 2025 तक इंडिया को 20 परसेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करनी पड़ेगी ये था रिसेंटली न्यूज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टारगेट को 20 परसेंट के एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 2030 से हटाकर 2025 पर ही ले आए ठीक है दिस वाज द न्यूज अब हम थोड़ी हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ने एक यू एक, नो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बाहर दी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रोड मैप दिया उस कमेटी ने एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपीट रिपोर्ट है उसने एक रोड मैप दिया कि हम कैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक कर सकते हैं ठीक है तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सबसे पहले हम दस परसेंट की एथेनॉल ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग होनी चाहिए उसके बाद 20 परसेंट की एथेनॉल ब्लेंडिंग हम करेंगे अप्रैल 2025 तक ठीक है तो यह मैप दिया गया इस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कि 10 परसेंट की करेंगे अचीव 2022 तक और 20 परसेंट की अचीव करेंगे 2025 तक ओके उसके बाद एक सेकेंड उसके बाद उससे पहले भी हमारे पास एक पॉलिसी आई थी नेशनल चलो वो मैं नीचे पढ़ाता हूँ पहले हम यहाँ देखते हैं बायो इथेनॉल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड तो वर्ल्ड वाइड कौन कौन कंट्री करती है ये बायो इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है यूनाइटेड स्टेट सबसे ज्यादा करता है 57%, उसके बाद ब्राजील ट्वेंटी सेवन परसेंट यूरोप करता है चाइना टू परसेंट कैनेडा टू परसेंट और अदर्स थ्री परसेंट तो आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल प्रैक्टिस है और हमें भी इसको करना चाहिए ठीक है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टाइम लाइन कुछ एथेनॉल ब्लेंडिंग का सिस्टम इंडिया में कब से शुरू हुआ सबसे पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जिसको हम ई e बी पी बी कहते हैं ये असल में इंट्रोड्यूस कब किया गया 2003 में 2003 में किसने इंट्रोड्यूस किया क्वेश्चन में आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है अब ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ही मिनिस्ट्री हो सकती है और कोई मिनिस्ट्री नहीं हो सकती बिकॉज ये पेट्रोलियम के रिलेटेड ही है तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम दो में शुरू होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उसके बाद दो में गवर्नमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म शुरू करता है यानी गवर्नमेंट एथेनॉल का प्राइस जो है एडमिनिस्टर करता है खुद से तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म 2014 में एथेनॉल पर शुरू किया जाता है और 2018 में एक पॉलिसी आती है जिसका नाम है नेशनल बायोफ्यूअल पॉलिसी नेशनल बायोफ्यूअल पॉलिसी और इस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में कुछ चीजें बताई गई थी जहां जैसे इसमें उन्होंने क्या बताया नेशनल बायोफ्यूअल पॉलिसी में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में यह बताया गया कि हम 2030 तक 2030 तक इस पॉलिसी में कहा गया कि हम 2030 तक 20 परसेंट की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में और 5 परसेंट की ब्लेंडिंग करेंगे डीजल में ठीक है तो डीजल में पांच परसेंट होनी चाहिए और पेट्रोल में ट्वेंटी परसेंट होनी चाहिए यह कब की पॉलिसी है 2018 की जब उसमें उन्होंने क्या कहा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में 2018 की पॉलिसी में कि 2030 तक ट्वेंटी परसेंट ब्लैंडिंग पेट्रोल में पांच परसेंट ब्लेंडिंग डीजल में लेकिन इसको फिर चेंज किया गया और करंटली क्या कहा जा रहा है अभी कहा जा रहा है दो हजार पच्चीस तक अब हमारा ट्वेंटी परसेंट ब्लैंड होगी पेट्रोल में और टेन परसेंट ब्लैंड होगी आपके डीजल में फाइन आपके डीजल में तो दैट इज योर डीजल तो ये हो गया पच्चीस दो हजार पच्चीस तक जो रिसेंटली अभी करंटली न्यूज आई है फाइन उससे पहले दो हजार तीस रखा था इन्होंने अभी दो हजार पच्चीस रखा है ओके okay? अब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अपने फ्यूल लाया उसमें एथेनॉल ऐड किया पेट्रोल ऐड किया तो अब अब आपके पास गैसोलीन गैसोलीन और एल्कोहल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल ठीक है तो इसको हम कहते हैं गैसोहल क्या कहते हैं गैसोहॉल यानी इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन मिलाकर तो गैसोहल जो अब आपको फ्यूल मिला अब ये फ्यूल जलाने के लिए आपके पास जो व्हीकल्स होने चाहिए वो अलग होने चाहिए ये नॉर्मली उन व्हीकल्स पे, तो पे तो नहीं चलेगा उन इंजनस पे तो नहीं चलेगा यानी आपको अपने इंजन्स भी क्या करने पड़ेंगे अपग्रेड करने पड़ेंगे ऐसे फ्यूल को जलाने के लिए आपको अपने इंजन भी अपग्रेड करने पड़ेंगे फाइन इंजन भी आपके कंपेटेबल होने चाहिए उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसी में कहा कि हम जो है हम इन इंज इंजन को इन व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे जो ई ट्वेंटी मटीरियल से कंप्लाइंट करे यानी जो ट्वेंटी एथेनॉल एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से कंप्लाइंट करे यानी जो ट्वेंटी परसेंट ब्लेंडेड फ्यूल को जला सके इस्तेमाल कर सके तो ये इंट्रोड्यूस कब होगा ट्वेंटी परसेंट वाले फ्यूल के लिए इंट्रोडक्शन होगा अप्रैल 2025 में और दस परसेंट वाले पे इंट्रोडक्शन होगा 2023 में ठीक है तो दस परसेंट फ्यूअल जलने लगेगा 2023 के इंजन में और ट्वेंटी परसेंट वाला फ्यूल जलने लगेगा 2025 के इंजन्स में ठीक है तो ये भी यहाँ पर बताया गया उसके बाद यहाँ पर इसकी इसके लिए आ, अब ये एथेनॉल जो है ये प्रोडक्शन असल में होती कहाँ से है आ, चलो मैं यहाँ पर था पहले मैं ये बता दूं तो नेशनल बायोफिल पॉलिसी मैंने बता दी आपको दो फिर 2020 में नेशनल बायोफील कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है एन नेशनल बायोफील कोऑर्डिनेशन कमेटी वो ये कहता है कि एथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए मैं शुगर केन जो आप इस्तेमाल करते हो शुगर केन से हम एथेनॉल बनाते हैं आप साथ साथ शुगर केन बेस्ड मटेरियल जो है चाहे आपका यू नो शुगर केन जूस है शुगर सिरप है बाकी का शुगर है जो आप यहाँ से शुगर शुगर निकालते हैं वैसे ही आप शुगर केन का इस्तेमाल कर सकते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए साथ में इस कमेटी ने यह भी कहा कि हम एथेनॉल प्रोडक्शन राइस से भी शुरू कर सकते हैं जो हमारे पास फूड कोऑपरेशन जो इंडिया है फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया उनके पास जो राइस बचा कुचा राइस है फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के पास उस राइस का इस्तेमाल आप कर सकते हो फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन सिर्फ राइस का ही नहीं बल्कि मेज का भी मेज का भी ठीक है तो राइस मेज शुगर केन क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से किसका इस्तेमाल होता है फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल बायोफील कोऑर्डिनेशन कमिटी आप शुगर किन राइस और मेज तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बायोफील प्रोडक्शन इन इंडिया उसको फिर एथेनॉल जब प्रोड्यूस कर लिया आपने उसको कहाँ पर रखेंगे डिस्टलरीज में रखेंगे स्टोरेज में रखेंगे और वो स्टोरेज यू नो फैसिलिटीज खोलने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इंटर सबवेंशन स्कीम भी लॉन्च की 2021 में इंटर सबवेंशन स्कीम क्या होती है इंटर सबवेंशन स्कीम होगी आपको कोई फैसिलिटी खोलनी है आपको उसके लिए लोन चाहिए लोन चाहिए आपको 100 रुपए का और बैंक आपको बोलता है मैं 100 रुपए का लोन दूंगा 10% के इंटरेस्ट पे और गवर्नमेंट आपको बोलती है गवर्नमेंट आपको बोलती है आप फैसिलिटी खोलो 100 ले लो इस 10% के इंटरेस्ट रेट में पांच परसेंट मैं दे दूंगा ठीक है तो ये इं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है या फिर गवर्नमेंट सीधे बोलेगी इंटरेस्ट मैं भर दूंगा या गवर्नमेंट बोलेगी इंटरेस्ट मत भरना आप सीधे पैसे ले लो ठीक है ये सारे इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में अलग अलग क्राइटेरियाज है किस बेसिस पे गवर्नमेंट फायदा दे सकती है ताकि गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा खोली जाए वहां पे स्टोरेज हो एथेनॉल की फिर वहां पे ब्लेंडिंग शुरू हो जाए फाइन तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया और ये इंडिया में जो डिस्टलरीज है जहां पर ये स्टोर किया जाता है वो कौन देखता है कौन सा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यही टॉपिक्स है है यही लाइंस से एमसीक्यूज आते हैं सो इट इज डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका क्या देखता है इट इज नोडल डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ डिस्टलरीज इन द कंट्री सिग्निफिकेंस क्या है इसकी इससे पोल्यूशन कम होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कंप्लीट कंबशन की वजह से पोल्यूशन कम होगा इससे आपका कार्बन मोनॉक्साइड भी नहीं निकलेगा इकोनॉमिक बेनिफिट भी आएगा क्योंकि अब हम उतना इम्पोर्ट नहीं करेंगे और कहा जाता है कि अगर ये जो ई ट्वेंटी वाला प्रोग्राम है कि ट्वेंटी परसेंट की एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे हम ये करने की वजह से इंडिया को हर साल हर साल तीस हजार करोड़ का फायदा मिलेगा जो इंडिया बाहर से तीस हजार करोड़ का फ्यूल लाता था वो कम हो जाएगा यानी फोर बिलियन डॉलर का इंडिया को फायदा मिलेगा हर साल ठीक है सो so, फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा क्योंकि इस साल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है ऑयल कंपनीज़ को जो एथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी ब्लेंडिंग के लिए वो लगभग दस बिलियन लीटर्स है ठीक है हज़ार वो दस बिलियन लीटर्स कितना हो गया हज़ार करोड़ लीटर हज़ार करोड़ लीटर की जरूरत है एथेनॉल की ट्वेंटी परसेंट ब्लेंडिंग करने के लिए और इससे फार्मर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि फार्मर जो है शुगर केन राइस एंड मेज प्रोड्यूस करेगा जिसको फिर ये कंपनी से जाकर ब्लेंडिंग शुरू करेंगे फाइन तो इंडिया का कमिटमेंट भी पूरा हो जाएगा जो क्लाइमेट चेंज के लिए उसने किया था पैरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कि दो तक इंडिया जो है अपने कार्बन एमिशंस भी थर्टी कम करेगा अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ टू फाइन उसके बाद रिसेंट इनिशियेटिव क्या लिए गए हैं इस इस पर्टिकुलर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इंडिया में बायो एथेनॉल की, प्र, की प्रमोशन के लिए कौन कौन से इनिशियेटिव लिए गए पहले पीएम जीवन जीवन का क्या मतलब है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अव अवशेष निवारण सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है पीएम जीवन आपको बस याद रखना है पीएम जीवन किसके लिए लिया गया है बायो एथेनॉल की प्रोडक्शन या प्रमोशन के लिए जिसमें इन्होंने बायो रिफाइनरीज बनानी है

पायलट प्रो प्रोजेक्ट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया था पुणे में जहां पर उन्होंने ई e हंड्रेड की डिस्पेंसिंग स्टेशन तीन जगह पर पुणे में खोली थी तो पायलट प्रोजेक्ट भी इसका शुरू हो चुका है तो इसके जो इसके लिए जो मैं आपको बोला था इसके लिए अलग से व्हीकल्स की जरूरत होती है बिकॉज ये आपके ट्रेडिशनल व्हीकल्स पे काम नहीं करेगा एथेनॉल बेस्ड फ्यूल तो इसके उन व्हीकल्स को हम कहते हैं एफ एफ वी एफ एफ वी क्या हो गया फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या क्या कहते हैं इसको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है ये ऐसे व्हीकल्स है जो एथनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पे काम कर सकते हैं ठीक है और जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंट्रीज में जैसे ब्राजील में उन्होंने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल शुरू कर लिए है और उन उन गाड़ियों के पास उन व्हीकल्स के पास ऑप्शन होता है कि वो नॉर्मल गैसोलीन का फ्यूल डालें अपनी गाड़ी में या फिर एथेनॉल का फ्यूल अपनी गाड़ी में डालें तो वो स्विच कर सकते हैं एक जगह से दूसरी एक फ्यूल से दूसरे फ्यूल में और उससे उसका कॉस्ट भी बढ़ता है तो इंडिया में भी गवर्नमेंट का प्लान है इसी साल अक्टूबर में जो आने वाला अक्टूबर है Uh, उसमें इंडिया का प्लान है कि हम भी अब गाइडलाइंस इशू करेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए जिसमें हम एथेनॉल की यू नो एथेनॉल फ्यूल की इस्तेमाल के, के लिए ये व्हीकल्स बनाने की बात करेंगे फाइट सो दैट इज योर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग बाकी आपको जरूरी नहीं है पढ़ना नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्लेशियर लेक्स पढ़ेंगे ये वगैरह जो आया है अभी इतना ही थैंक यू सो मच अभी मैं आहिस्ता जा रहा हूँ फाइन सो दैट आप मेरी पेस के साथ थोड़ा अडेप्ट कर सके Uh, वरना आई कुड यू नो क्विकली गो थ्रू दिस एज वेल बट मैं नहीं जा रहा मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पेस के साथ थोड़ा पहले अडेप्ट कर लो और फिर जो है मैं अपनी पेस बढ़ा लूँगा बिकॉज uh, हमें बहुत 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 ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं जितना करंट अफेयर हो पाएगा उतना मैं कर, कराऊँगा आपको सो so, जस्ट uh, मेरी पेस के साथ आप अडेप्ट कर लो और फिर धीरे uh, धीरे मैं आपको सिर्फ जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको खुद समझ आएगा एमसीक्यू uh, पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और रिटर्न uh, में के uh, एस वाले में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो तो आपको देना भी नहीं है फिलहाल आपको समझ आएगा खुद की एमसी क्यू वाला सवाल कौन सा निकल सकता है इसमें से ठीक है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू बाय